आईपीएल 2024 का फाइनल मुकाबला आज कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। मुकाबले का टॉस 7 बजे होगा। इस सीजन का क्वालिफायर 1 भी इन्हीं दोनों टीमों के बीच खेला गया था, जिसमें कोलकाता को 8 विकेट से जीत मिली थी। कोलकाता और हैदराबाद फाइनल में पहली बार भिड़ेंगे। केकेआर चौथी और एसआरएच तीसरी बार खिताबी मुकाबले में पहुंची है। कोलकाता 2 और हैदराबाद 5 साल बाद फाइनल खेलेगी। कोलकाता चौथी बार आईपीएल का फाइनल खेलने वाली है। कोलकाता ने 2 बार खिताब भी जीता। लीग स्टेज में कोलकाता ने 14 मैच में 9 मैच जीते थे और केवल 3 में उसे हार का सामना करना पड़ा था। 20 पॉइंट्स के साथ टीम नंबर 1 बनकर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने में सफल रही थी। पहले क्वालिफायर में कोलकाता ने हैदराबाद को हराकर फाइनल में जगह बनाई, तो वहीं हैदराबाद ने साल 2016 में डेविड वार्नर की कप्तानी में आईपीएल का खिताब जीता था। पिछले सीजन में हैदराबाद की टीम 10वें नंबर पर रही थी, लेकिन इस सीजन में उन्होंने कमाल का कमबैक करते हुए खिताब जीतने के करीब पहुंच गई है। इस सीजन हैदराबाद ने 8 मैच जीते और 5 में उसे हार का सामना करना पड़ा। 1 मैच बारिश की वजह से रद्द हुआ था। हैदराबाद 17 पॉइंट्स के साथ 2रे नंबर पर रहकर प्लेऑफ में पहुंची है। दोनों ही टीमों के बीच हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो कोलकाता का पलड़ा भारी है। अब तक दोनों टीमों के बीच कुल 27 मुकाबले हुए हैं। इनमें से 18 मुकाबले केकेआर ने और 9 मुकाबले हैदराबाद ने जीते हैं। दोनों टीमों के बीच इस सीजन 2 मुकाबले खेले गए हैं, दोनों कोलकाता ने जीते। लीग स्टेज में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में केकेआर महज 4 रन के मार्जिन से जीती थी। दूसरा क्वालिफायर 1 खेला गया, उस मैच में कोलकाता को 8 विकेट से जीत मिली। केकेआर के लिए ओपनिंग करते हुए सुनील नरेल और फिल सॉल्ट ने शानदार प्रदर्शन किया। दोनों ने पावर प्ले में टीम को मजबूती दी। मिडिल ऑर्डर में भी श्रेयस अय्यर ने भले ही बड़ी पारी नहीं खेली हो, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर अच्छा सपोर्ट किया। फिनिशर्स में आक्रामक आंद्रे रसल ने इस सीजन डेथ ओवर में बड़े शॉट्स लगाने का जिम्मा उठाया है। बॉलिंग में वरुण चक्रवर्ती ने शानदार प्रदर्शन किया है। हर्षित राणा ने 11 मैचों में 16 विकेट लिए। सुनील नरेल ने भी 482 रन बनाने के साथ ही 16 विकेट अपने नाम किए हैं। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी ने 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। दोनों ने आक्रामक पारी खेली है। मिडिल ऑर्डर में हेनरिक क्लासेन ने भी शानदार प्रदर्शन किया है। बॉलिंग में टी नटराजन ने 13 मैचों में 19 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया। कप्तान पैट कमिंस ने 17 विकेट और भुवनेश्वर कुमार ने 11 विकेट लेकर उनका बखूबी साथ दिया। चलिए बात करते हैं पिच की। एमए चिदम्बरम स्टेडियम की पिच स्पिनर्स के लिए मददगार साबित होती है। यहां अब तक 89 आईपीएल मैच खेले गए। 49 मैच पहले बैटिंग करने वाली और 35 मैच चेज करने वाली टीमों ने जीते। यहां का हाईएस्ट टीम स्कोर 246 5 विकेट पर है, जो होम टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ बनाया था। वेदर कंडीशंस की बात करें तो 26 मई को चेन्नई में बहुत गर्मी होगी। इस दिन यहां बादलों और धूप के साथ थोड़ी उमस रहेगी। बारिश की 4% आशंका है। तापमान 38 डिग्री से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की उम्मीद है। तो आपको क्या लगता है, आज के मुकाबले में कौन सी टीम जीत दर्ज कर आईपीएल का ये खिताब अपने नाम करेगी? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।